दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चिड़चिड़ा गेमर यूट्यूब चैनल पर। और आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि इस पतलू ने ये पीले कपड़े कुर्ते वाले पतलू ने अभी जो है एक मेगा रैम को पार करा था भाई, अनबिलीवेबल तरीके से यहाँ पर पार करा था। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई अभी हमारे चैनल पर जाओ और पहले वाली वीडियो देखो। तो भाई अगर आपको जो है इस रैम के बारे में नहीं पता तो एक बार मैं बता देता हूँ भाई, इनमें से किसी भी एक टैंक पर लेकर के यहाँ से जाना है, ये रास्ते से इन्हें उड़ाते हुए यहाँ पे जाना है। और इन चारों पाँचों रास्तों में से आधे रास्ते जो है नकली है, जिसके ऊपर अगर टैंक गया तो ये वो नीचे गिर जाएगा भाई। उनके जो है पतलू अभी पिछले वाली वीडियो में गिरते गिरते बचा था, लेकिन इस बार देखना होगा कि कोई यहाँ पर क्या गिरता है या फिर यहाँ पे पार कर जाएंगे। फिर यहाँ पर जो है आपको ये वाली F1 कार मिलेगी, और भाई ये वाली F1 कार लेने के बाद यहाँ पर एक चक्कर तो इसका लगाना पड़ेगा। चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे सीधा निकलोगे और फिर इनसे बचते हुए ये चलते रहेंगे भाई, इधर उधर ये ऐसे चलते रहेंगे। फिर इनमें से जो है हमें फिलहाल पता है कि भाई ये वाला रास्ता ठीक था, लेकिन जो है अभी चिंगम सर जाने वाले हैं, इनको ये रास्ता शायद नहीं पता होगा भाई। यहाँ से फिर वो जो है उन्हें पार करके जाना है, इनमें से कोई एक रास्ता सही है जो कि हमें पता है ये वाला सही था। तो इसके बाद जो है यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ से गोल घुमा के यहाँ पर गाड़ी को ऊपर लेकर के जाना होगा। और फिर जब ऊपर लेकर के जाओगे तो यहाँ से इसके अंदर से गाड़ी को जैसे कि पतलू लेकर के गया था लास्ट वीडियो में, और इसको इस बारी जो है चिंगम सर को यहाँ से ले जानी पड़ेगी अपनी गाड़ी। और भाई यहाँ से ले जाने के बाद जो है यहाँ पर दो जंप्स के बाद ये दो इसके बाद जो है इस रोड वाले रैंप पर आ जाएंगे। और रोड वाले रैंप पे आ जाने के बाद भाई ये वॉल राइड देख रहे हो, ये वॉल राइड बहुत खतरनाक थी। पतलू ने तो एक बारी में इसको कर दिया था, लेकिन देखना होगा क्या चिंगम सर यहाँ पर एक बारी में कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो भाई आप इस वाले रैंप पर आओगे, ये थोड़े बहुत नीचे जंप होगी, फिर दो चार ऊपर जंप होगी, और फिर यहाँ पर गोल चक्कर खाने के बाद तो बार बार यहाँ पर जो है पतलू गिरे जा रहा था। बार बार पतलू की कार जो है यहाँ से ऊपर आ रही थी, यहाँ पर ऊपर आने के बाद एकदम धड़ाम से यहाँ पर वापस से गिर जा रही थी। फिर उसने अपने बूस्ट का यूज करा और फिर यहाँ पे जो है पार करके पतलू ने इस मेगा रैम को पार कर लिया था। तो देखने वाली बात यह है कि अब यहाँ पर क्या चिंगम सर उतना कर पाएंगे या नहीं। तो चलो हम चिंगम सर को यहाँ पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो है चिंगम सर चल चुके हैं टैंक की तरफ और ये बैठ चुके हैं यहाँ पर टैंक में। तो भाई अब देख रहा होगा क्या चिंगम सर यहाँ पर आगे जा पाएंगे या फिर ये इस रैंप में ही हमें गिरते हुए नजर आएंगे। और चिंगम सर ने यहाँ पर टैंक अपना ले चुके हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्या यहाँ पर चिंगम सर को रास्ता मालूम है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है ऑलरेडी हमें अब पतलू के टैंक के निशान थोड़े बहुत देखने को मिल तो रहे हैं। तो भाई हो सकता है चिंगम सर इसका यहाँ पर फायदा उठा ले और यहाँ पर बड़ी ही आसानी से। फिलहाल चिंगम सर चलते हुए मुझे लगता नहीं इनको यहाँ पर कोई मुसीबत का सामना करना फिलहाल पड़ेगा। अच्छी तरीके से यहाँ पर चलाते हुए जा रहे हैं, अच्छा कंट्रोल फिलहाल चिंगम सर का यहाँ पर टैंक के ऊपर दिखाई दे रहा है। भाई थोड़ा आराम से अभी यहाँ पर कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, यहाँ पर रैम खत्म है, क्या आगे यहाँ पर जाने लायक सिचुएशन है ये देखना होगा। फिलहाल तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई सही चल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये वाला क्या रैंप असली है या ये नकली है एक बार देखना होगा। और ये भी यहाँ पर असली निकल के आया है, तो भाई यहाँ से वो मुड़े थे शायद उल्टे हाथ को पतलू, और ये भी ऐसा ही करेंगे। चिंगम सर ने अपना यहाँ पर टैंक जो है मोड़ना शुरू कर दिया है, क्या इनके टैंक में यहाँ पर गोलियां भी है ये देखना होगा। और आगे चलाते रहेंगे जैसे जैसे हम यहाँ पर, तो क्या ये टैंक नीचे गिरने की हालत में अभी है? अब फिलहाल तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, फिलहाल तो सब कुछ ठीक लग रहा है। धीरे धीरे जो है यहाँ पर मोड़ रहे हैं चिंगम सर, और धीरे धीरे इनका टैंक आगे बढ़ता जा रहा है। भाई कौन सा रास्ता असली है कौन सा नकली है पता नहीं चल रहा है इसमें। फिर उल्टी पीछे की साइड घूमे थे और शायद अब भी इनको ऐसे ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रैंप नकली था, अभी इनका जो है टायर नीचे चला गया था और ये इन्होंने यहाँ पर नोटिस कर लिया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अच्छी तरीके से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये भी नकली है भाई। भाई कितने नकली यहाँ पर है, सिर्फ एक ही असली रास्ता है, उसी रास्ते से अगर जाएंगे तो यहाँ पर बच पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर बच पाना मुश्किल हो जाएगा इनका। क्या ये असली है? हाँ ये वाला रास्ता तो भाई फिलहाल असली नजर आ रहा है, और अगर इस पे चलते रहेंगे तो फिर भाई आगे पहुँचने के इनके चांस बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पर जो है ये वाला रास्ता भी असली है, तो भाई मेरे को लगता है कि इनको रास्ता मिल चुका है। जी हाँ, चिंगम सर ने भी ये पार कर लिया, गिरते गिरते बचे, लेकिन भाई
इन दी एंड यहाँ पर पार कर लिया चिंगम सर ने। अब उतरेंगे इस गाड़ी से, अब बैठेंगे F1 कार में और देखना होगा भाई F1 कार में बैठ के ये क्या धमाका यहाँ पर करते हैं। तो भाई भगाना शुरू कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा बूस्ट का प्रयोग यहाँ पर करा है और फिर से यहाँ पर एक और बूस्ट का प्रयोग करते हुए, लेकिन ये कहाँ कूद गई इनकी गाड़ी। अरे भैया इनकी गाड़ी कहाँ चली गई। अब बूस्ट का यूज करने का फायदा क्या है जब आपकी गाड़ी ही कहीं और है। अरे भैया, अरे ये क्या कर दिया। अरे भाई माइकल के ऊपर जाके क्यों गिर गई इनकी गाड़ी। भाई कहाँ से शुरू करे थे और कहाँ पर आ करके वापस ये खड़े हो चुके हैं। अब इनको वापस वहां जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे ये देखना होगा। अब भाई कहाँ पहुंच चुके थे चिंगम सर, ये पता नहीं क्या ही जादू करा चिंगम सर ने और वापस जहाँ से शुरू करे थे टैंक से वहां पर आ गया। तो लगा चिंगम सर ने बोला होगी नै भाई टैंक से कौन करेगा, हम करके दिखाएंगे विदाउट टैंक। और भाई यहाँ पर अब जो आ चुके F1 कार में वापस से उसी पोजीशन पर फंसे हुए हमारे चिंगम सर दिखाई दे रहे हैं। अब पता नहीं भाई क्यों करा इन्होंने ऐसा, लेकिन जो भी करा भाई अब इन्हें वापस ऐसे ही जाना पड़ेगा। F1 कार में यहाँ पर मोड़ने की दिक्कत इन्हें देखने को मिल सकती है। और ओ भाई ये तो ड्रिफ्ट मारते हुए मोड़ रहे हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट से गाड़ी मोड़ती जा सकती है भाई। वैसे प्रो है भाई हमारे जो चिंगम सर है ना, वो यहाँ पर प्रो ड्राइवर है, तो भाई हैवी ड्राइवर के सामने यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कोई दिक्कत अब फिलहाल आएगी। और यहाँ पर देखना आप ये देखो भाई क्या ही ड्रिफ्ट मार रहे हैं चिंगम सर, भाई प्रो है हमारे चिंगम सर। तो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं और भाई आ चुके हैं वापस से, यहीं वापस आ चुके हैं भाई चिंगम सर अपने रास्ते पर। और भाई यहाँ पर अब चालू कर दिया है फिर से इन्होंने अपनी गाड़ी से भगाना और यहाँ पर आ चुके हैं भाई आगे। क्या मस्त अब यहाँ पर चलाया है, अब देखना होगा चिंगम सर कौन से रास्ते से यहाँ पर जाते हैं। और सबसे लेफ्ट वाला रास्ता चुना है चिंगम सर ने, क्या ये रास्ता ठीक है या गलत है वो तो भाई अभी हमें पता चल जाएगा जैसे ही चिंगम सर आगे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो भाई ये उल्टे भागे दे रहा भाई, इनकी गाड़ी उछली और बूस्ट का यूज कब कर रहे थे गलत टाइम पे और पीछे की साइड जाते जा रहे थे। लेकिन भाई चिंगम सर ने वो सबको हाराते हुए आगे आ चुके हैं वापस से और सीधा भाई यहाँ पर थोड़ा स्लो जाना चिंगम सर, क्योंकि अगर ये बंद हुई तो ठुक जाओगे। और यही हुआ भाई, बंद है रास्ता बंद होने के कारण वापस जाना पड़ेगा इनको, अब सही वाला रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पतलू को पता था भाई सही वाला रास्ता, इनको फिलहाल नहीं पता है, तो ये तो भाई चेक करते रहेंगे। तो सबसे पहले वाला जो रास्ता था वो तो यहाँ पर गलत साबित होते हुए हमें दिखाई दिया। अब ये जा रहे हैं दूसरे रास्ते पे, क्या दूसरा रास्ता इनका ठीक होगा। यहाँ पर भाई सामने रास्ता नहीं है, आराम से चलाओ। ओ भाई पीछे की साइड, अच्छा यहाँ अच्छा भाई सही वाले रास्ते पर जा रहे हैं अभी। अब जो पतलू ने रास्ता पकड़ा था ना वहीं जा रहे हैं, दूसरा जो इनका ट्राई चल रहा है भाई सही रास्ते पर चल रहा है। और यहाँ से जो है चिंगम सर बड़ी आसानी से निकल जाएंगे मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी भगा रहे हैं इन्हें भी ये कॉन्फिडेंस है कि भाई ये रास्ता सही है। और जैसे कि हमने पतलू की बारी में देखा था कि भाई ये रास्ता सही था। और जी हाँ निकल चुके हैं यहाँ पर हमारे चिंगम सर आगे की तरफ। अब ज़्यादा रास्ता इनका बचा नहीं है, लेकिन अभी बहुत सी जो है दिक्कतें फिलहाल देखने को इनको मिल सकती है, जैसे कि ये है फिलहाल। तो भाई ये वाला भाई बूस्ट ऑन कर दिया है अभी से, क्या यहाँ पर इजीली पहुँच पाएंगे। ले भाई गिरते पड़ते पहुँच ही गए, अब आगे देखना होगा आगे भी क्या ये ऐसे ही गिरते पड़ते जाएंगे या फिर इनको थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आएगी और बिना गिरते पड़ते भी ये कुछ ट्राई करेंगे। लो भाई फिर से गिरे, उल्टे पड़े हैं, टांट रगड़ गई, टोपी अभी भी सलामत है भाई चिंगम सर की, चिंगम सर की टोपी नहीं जाती कहीं भी। यहाँ पे अब वॉल राइड पे आ चुके हैं, वॉल राइड के पास भाई चालू हो चुकी है इनकी गाड़ी जो है रैंप के अंदर चलना। और यहाँ पर जैसा कि देखने को हमें मिल सकता है ये देखो भाई टकराई, यहाँ पर इतने बड़े बड़े गैप है, अगर इनमें गिर गई ना इनकी गाड़ी तो इनको कोई नहीं बचा पाएगा मेरे को ऐसा लगता है। भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर टकराई इनकी गाड़ी और फिर ठुकी भाई। अरे भाई कहाँ जा रहे हो भाई, पीछे आओ भाई, रास्ता तुम्हें गैप नहीं दिख रहा क्या, गैप के बीच से निकलो ना। भाई अब जाके शुक्र है इनको रास्ता जो है दिख गया। लो भाई ओ भाई 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 गिर जाएंगे नीचे, बच गए। भाई
सिंघम सर बाल बाल यहाँ पर बचते हुए हमें दिखाई दिए, लेकिन अभी फिलहाल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस हिसाब से ये भगा रहे गाड़ी भाई, मेरे को लगता है कि ये जैसा कि हमने सोचा था कि भाई ये एक प्रो प्लेयर है तो अपनी प्रो प्लेयर की निशानी ये दिखा सकते हैं। पतलू ऑलरेडी यहाँ पर पार कर चुका है, क्या यहाँ पर सिंघम सर भी पार कर पाएंगे ये देखना होगा। और भाई सिंघम सर पहुंच चुके हैं रोड वाले जो तुम्हारा रैंप है वहां तक, और ज्यादा कुछ अब रास्ता बचा नहीं है, बस यहाँ से थोड़ी बहुत जंप्स वगैरह करानी है, और जंप्स वगैरह कराने के बाद अब बॉल राइड है भाई, स्पाइरल इसके बाद है, फिलहाल तो इनको बॉल राइड करनी पड़ेगी आराम से भाई, आराम से यहाँ पर जो है, और यहाँ पर भगाना शुरू कर दिया है इन्होंने। क्या यहाँ पर बॉल राइड को कंप्लीट कर पाएंगे सिंघम सर? भाई 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 अभी तक तो भाई सही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बॉल राइड पर चलते रहे हैं, और ये इन्होंने कर दिया भाई पार। ओ भाई सिंघम सर भी भाई प्रो निकले यहाँ तो भाई पतलू ने भी कर दिया था, लेकिन सिंघम सर ने बोला कि भाई हम किसी से कम है क्या, हम भी इसको पार करके दिखाएंगे, और ऐसी मोटिवेशन के साथ जो है भगाए चले जा रहे हैं। और यहाँ पर गड्ढों से भाई बिना डरे यहाँ पर सिंघम सर जो अपनी गाड़ी भगा रहे हैं ना, ये देखना भाई बड़ा ही लाजमी है। और आगे बढ़ते जा रहे है ये, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं ये आखिरी अपने प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर पतलू थोड़े से यहाँ पर जो कहते हैं परेशान हुए थे, पता नहीं चला था भाई उन्हें कैसे यहाँ से जो है पार जाना है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से क्योंकि शुरू से बूस्ट का यूज करते आ रहे, देखो फिर से करा भाई, तो भाई इन्हें पता है भाई कैसे यहाँ से जो है जाना है, पर ये बच पाएंगे क्या, इन्हें पता है कि कब यहाँ पर घूमना है? और भाई फिलहाल तो बच चुके हैं, अगले वाले पे देखना होगा, अगले वाले पे क्या ये यहाँ पे बच पाएंगे, और भाई ये गिर चुके हैं क्या यहाँ पे, और ये भाई नीचे जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी कोशिश करी इन्होंने ऊपर आने की, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल एंड मूवमेंट पर हमें गिरते हुए दिखाई दिए। भाई क्या ये यहाँ पर पहुंच पाएंगे? बार बार बूस्ट का यूज करके ऊपर जाने की कोशिश तो इनकी अभी चल रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं इनकी कोशिश कोई ज्यादा काम। ओ भाई कितना ऊपर आ गए भाई, क्या भाई इनका बूस्ट यूज करना यहाँ पर पड़ सकता है भारी। भाई जिस हिसाब से यहाँ पर फिलहाल इनका चल रहा है, मुझे लगता है कि भाई ये धीरे धीरे रैंप तक पहुंचेंगे। भाई क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ये पहुंच पाएंगे रैंप तक? भाई वह गलत टाइम पे जो है इन्होंने यहाँ पर रैंप कर दिया है, और ये वापस जाते हुए पानी में, अब मुझे नहीं लगता कि ये जो है बच पाएंगे, उल्टे यहाँ पर दिशा में चल रहा है वापस, यहाँ इन्होंने बूस्ट खोला, बहुत दूर आ चुके हैं अब रैंप से। मुझे तो भाई अब लगता नहीं कि इनका कुछ यहाँ पर मतलब बनने वाला है, ये गिरने जा रहे हैं पानी में, और ये गिरे पानी में था भाई, हमारे सिंघम सर हार चुके हैं बिल्कुल लैंड टाइम पर आकर के, हारे बेचारे, कितना पास तक पहुंच चुके थे। तो भाई सिंघम सर आई एम सॉरी बट यू आर आउट ऑफ द गेम। तो भाई सिंघम सर भी हमारे हो चुके हैं बाहर, पतलू ने यहाँ पर कंप्लीट करा था, अब बचे हमारे मोटू और डॉन। अगर आपको इन दोनों की भी रेस देखनी है तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो डैट कि अगली वीडियो में हम आपको इन दोनों की यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा सके। तो आज के लिए जो है फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले हैव अ नाइस डे, गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।